चुनाव में यूं तो हर सीट की अपनी अलग ही अहमियत होती है, लेकिन बात जब यूपी की आती है तो यहां अमेठी लोकसभा सीट भी देश की राजनीति में अहम स्थान रखती है। वैसे तो 2019 तक ये सीट गांधी परिवार का गढ़ और कांग्रेस के लिए सुरक्षित सीट मानी जाती थी, लेकिन पिछले चुनाव में बीजेपी यहां सेंध मारी करने में कामयाब हो गई। अब इस बार भी कांग्रेस के सामने अपने गढ़ को बचाने की चुनौती तो बीजेपी फिर से अपनी जीत फतह करने की तैयारी में है। अमेठी सीट के राजनीतिक इतिहास को देखें तो ये सीट 1967 में अस्तित्व में आई थी। यहाँ से संजय गांधी पूर्व प्रधानमंत्री, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन 2019 में यहाँ बड़ा उलटफेर देखने को मिला। अब पहले बात कर लेते हैं कि बार मैदान में कौन कौन है। तो बीजेपी ने फिर से मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी पर भरोसा जताया है, लेकिन कांग्रेस ने इस बार राहुल गांधी की जगह किशोरी लाल शर्मा को मैदान में उतारा है और बसपा से नन्हे सिंह प्रत्याशी हैं। देखा जाए तो इस बार भी मुकाबला कड़ा होने वाला है। 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो अमेठी सीट पर 23 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस के राहुल गांधी और बीजेपी की स्मृति ईरानी के बीच हुआ था। उस समय सपा बसपा का गठबंधन था, उनके द्वारा कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा गया था। स्मृति ईरानी को वोट मिले, जबकि राहुल गांधी के खाते में 4,13,394 वोट आए थे। स्मृति ईरानी ने 55,120 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। अमेठी सीट को गांधी परिवार की पॉलिटिकल डेब्यू सीट भी कहा जाता है। संजय गांधी और राजीव गांधी की तरह राहुल गांधी ने भी अपना पॉलिटिकल डेब्यू यहीं से किया था। वो ऐसा करने वाले गांधी परिवार की पांचवी शख्सियत है। इससे पहले 2014 के चुनाव में राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को 1,07,903 मतों के अंतर से हराया था। अमेठी सीट पर जातीय समीकरण की बात करें तो यहां जातीय समीकरण का कोई खास असर नहीं दिखता है। 2019 के चुनाव से पहले यहां पर कांग्रेस का ही दबदबा रहता था, लेकिन अब बीजेपी की पकड़ हो गई है और इस बार फिर से बीजेपी अपनी जीत को बरकरार रखने की कोशिश में है। लेकिन माना जा रहा है कि राहुल के मैदान छोड़ते ही अमेठी की राजनीतिक हवा बदल गई है और इस बार बीजेपी कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर होने की उम्मीद है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।